हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियोस में जैसे हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना, ड्रेनेज सिस्टम, मैंने अब जैसे बताया था काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आज ही उस इंटरेस्ट को और बढ़ाते हुए हम सेकंड पार्ट पे आते हैं अपना। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में, जिसने वीडियोज़ नहीं देखी हो फर्स्ट पार्ट में जाके देख ले, हम लोगों ने उसमें ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज स्टेजेस, रिवर्स की स्टेजेस कुछ पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे अपने इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में, अपने प्यारे भारत के बारे में, अपनी भारत की नदियों के बारे में जानेंगे। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, है ना, अपनी नदियाँ अपने आप में ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, है ना। हम गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, है ना, नर्मदा परिक्रमा करते हैं, तो जो हमारी नदियाँ हैं वो अपने आप में इतना स्पेशल है हमारी कंट्री के लिए, मतलब हम उनको इतना मान्यता देते हैं, गंगा माँ माँ बोलते हैं ना, माँ का दर्जा दे रखा है हमने अपनी नदियों को, तो उनके बारे में जानना, है ना, बहुत ही इंटरेस्ट आता है। तो हम उसी चीज़ को आज जानेंगे, कौन से शहरों से होके गुजरती है, जिस शहर से होके गुजरती है कुछ ना कुछ संस्कृति उस शहर की ज़रूर है, है ना। बनारस कितना बड़ा नाम सुना होगा आपने, है ना, हरिद्वार, ऋषिकेश, तो ये सारी सिटीज़ हैं जो नदियों के किनारे बसी हुई हैं, जो जितनी भी ये शहर हैं, तो आज हम उन्हीं सब के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ते हैं हम अपने इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। तो जो अपना इंडियन रिवर सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम, सेकंड वन इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम यानी कि ये वाला जो रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, अपने ये पूरा ये बेल्ट क्या है, हिमालयन बेल्ट है, ये वाली बेल्ट हिमालयन बेल्ट है, इस हिमालय से जितनी भी रिवर्स निकलती हैं उसको बोलते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। बेसिकली नदन पार्ट वाला, नदन और ये ईस्टर्न ये वाला हिस्सा, ये अपना है हिमालयन रिवर सिस्टम में। इसमें तीन रिवर्स हैं, मेन जो तीन रिवर्स हैं, बड़ी तीन रिवर्स जिसके बारे में हमें पढ़ना है, इंडस सिस्टम, ये वाली जो रिवर है, ये रिवर है इंडस, कौन सी रिवर है ये, इंडस रिवर, और ये वाली जो रिवर है ये कौन सी है, गंगा रिवर, और जो ये वाली रिवर है, ये वाली रिवर कौन सी है, ये है ब्रह्मपुत्र, कौन सी है, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो हम इन तीनों रिवर के बारे में अब हम सेपरेट जानेंगे, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, उसकी ट्रिब्यूटरीज को जानेंगे, कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन से जगह से होके जाती हैं वो, है ना, फिर उसके हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये एक रफली शॉर्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि हम अब पढ़ने क्या जा रहे हैं। अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, ये अपना पेनिनसुलर इंडिया है, इस रिवर, इस पार्ट में जितनी भी रिवर्स हैं हम उसको कवर करेंगे। उसमें कौन सी रिवर हैं, जैसे महानदी, है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो चार मेन रिवर हैं हम इनको पढ़ेंगे। ये कौन सी हुई, ये हुई इंडस, ब्रह्मपुत्र ये रही, ये है गंगा, ये है महानदी, ये है गोदावरी, ये है कृष्णा और ये है कावेरी। तो बेसिकली कितनी रिवर्स हुई टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, जो ये 7 रिवर्स हैं एटलीस्ट, ये तो आप लोगों को पता ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर जैसे मैं आपसे पूछूं हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में बताओ, सबसे पहले तो पूछो इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में बताओ, तो इंडियन रिवर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज हिमालयन रिवर सिस्टम एंड सेकेंड वन इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इन हिमालयन रिवर सिस्टम देर आर थ्री रिवर्स, फर्स्ट वन इज इंडस सिस्टम, सेकेंड वन इज गंगा सिस्टम एंड थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र सिस्टम्स। आफ्टर दैट, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग किसके बारे में, रिवर्स के बारे में, तो हम उसके सेपरेट पढ़ेंगे अब इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सेपरेट इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो ये हम स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये मैंने कुछ मैप बनाया, मैंने आपको बोला था ना सबको स्टेट्स याद करने के लिए, तो ये कुछ समझ आ रहा है, कौन से स्टेट्स हैं अपने भारत का, कौन सा वाला हिस्से का पार्ट है, आ रहा है किसी को समझ, नहीं आ रहा तो मैं समझाता हूँ। ये अपना JNK और लद्दाख वाला, ठीक है, दिस वन इज हिमाचल प्रदेश और ये है पंजाब। ठीक है, ये यानी कि ये तीन स्टेट बनाए हैं अपने इंडस रिवर सिस्टम को समझने के लिए, क्योंकि इन्हीं तीन स्टेट्स से होके ये पूरा इंडस सिस्टम, ये इंडस का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को पता है पंजाब को पंजाब क्यों बोलते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है, हर किसी के पीछे एक रीज़न होता है, है ना, जैसे आप लोगों के मम्मी पापा ने आपका नाम रखा होगा तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा ना, जैसे निकनेम तो रख ही देते हैं, है ना, जैसे जो घर में सबसे छोटा होता है तो उसका रख देते हैं छोटू, है ना, तो इसी हिसाब से हमने पंजाब का नाम पंजाब रख रखा है। किस लिए रख रखा है, क्योंकि ये पाँच नदियाँ इससे होके गुजरती हैं, कौन सी, पाँच
नदियाँ इससे होके गुजरती हैं, कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये पांचों रिवर्स हैं। इन ये वाला हिस्सा नहीं, पूरा पंजाब हिस्सा था पहले, पार्टीशन से पहले, इतना हिस्सा मत सोचना, ये पूरा हिस्सा पंजाब बोलते थे हम, कुछ पाकिस्तान में और ये वाला हिस्सा, इसलिए पांच नदियों से मिलके बना है इसका पूरा एरिया, इसको इसलिए हम पंजाब बोलते थे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इंडस रिवर के बारे में। तो ये जो बच्चे ये रिवर दिखनी है ना, ये बड़ी सी रिवर, ये कौन सी रिवर है? इंडस रिवर। और ये इंडस रिवर मिलती कहाँ है? जाके अरेबियन सी में। कहाँ जाके मिलती है? अरेबियन सी में। और इसका जो ओरिजिन है, इंडस रिवर ओरिजिन होती है तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास, मानसरोवर से नहीं, नियर मानसरोवर लेक, ठीक है। फिर ये अपने भारत में एंटर करती है कहाँ? लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? ये जो हिस्सा है ना लद्दाख, लद्दाख अपना यूटी भी है, ठीक है, याद रखना। और जिसने स्टेट्स और यूटीज अभी तक नहीं पढ़े हैं वो लोग वीडियो में जाके देखें मेरे, स्टेट और यूटी याद करने के लिए, ठीक है। तो ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में है। और जो ये दिख रहा है ना, ये जो मैंने बनाया, ये है पेंग्योंग लेक। कौन सी लेक? पेंग्योंग लेक। थ्री इडियट्स मूवी सबने देखी है ना, वो स्कूटर वाला सीन, पेंग्योंग लेक। तो वो जो लेक है लद्दाख में, वो है ये पेंग्योंग लेक। बहुत ही खूबसूरत जगह है लद्दाख, है ना। मौका मिलेगा आप लोगों को भी कभी कभार जाने का तो देखना, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में गई, लद्दाख के बाद आती है इधर ये JNK में, और यहाँ से फिर चली जाती है कहाँ? पाकिस्तान में। और यहाँ से होते हुए सीधी जाती है अरेबियन सी में जाके गिरती है, ठीक है। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ये एक ट्रिब्यूटरीज है, ये शोक ट्रिब्यूटरीज का नाम है, शोक, क्या नाम है इसका? शोक, नूबरा, ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ से गिलगिट, ट्रिब्यूटरीज मतलब तो पता है ना, मेन रिवर, उससे जो आके रिवर्स मिलती हैं उन्हें बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब सेकंड जो रिवर है, ये जो इंडस रिवर है, इसकी पांच मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। पांच मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? ये झेलम। कौन सी? झेलम। ये कश्मीर में ये वाली जो मैंने बनाई है, ये है दल लेक। कौन सी लेक है? दल लेक। देखा होगा ना कश्मीर में बोटों के घर होते हैं और हमेशा एक लेक दिखाते हैं, तो वो कौन सी लेक है? दल लेक। उसी के पास से निकलती है झेलम, फिर ये होती हुई अपनी इधर चली जाती है पाकिस्तान में, फिर हिमाचल प्रदेश में चेनाब निकलती है यहाँ से, फिर इस रूट को फॉलो करते हुए ये यहाँ, फिर ये इससे मिल जाती है। रावी निकलती है अपनी हिमाचल प्रदेश से, ये भी इस रूट को फॉलो करते हुए यहाँ, ये ब्यास, ये रावी और ब्यास दोनों ही रोहतांग पास के आसपास से निकलती हैं, ठीक है। ब्यास मनाली, मनाली गए होगे शायद आप लोग बच्चों, है ना, अपने पेरेंट्स के साथ। तो मनाली में जो रिवर है वो कौन सी है? ब्यास रिवर। उसके बाद है सतलुज रिवर, जो कि मानसरोवर लेक से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में जाती है, पंजाब में आती है, और फिर पाकिस्तान में जाके किस में? अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ये तो कुछ अपना इंडस रिवर सिस्टम हो गया, है ना, इसके बारे में कि मेन रिवर हमने इंडस के बारे में जाना, उसकी जो पांच बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में जाना। कौन सी पांच बड़ी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये पांच रिवर आपको याद होनी चाहिए मेन, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको कोशिश करना रफ पे ड्रॉ करने की, कि एग्जैक्ट आपको पता चल जाए इन लोगों इनका रूट, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें हमने क्या पढ़ा? इंडस रिवर सिस्टम और उसका कहाँ कौन से रूट फॉलो करती है। इसमें एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में। ट्रीटी क्या होता है? ट्रीटी यानी कि संधि। संधि मतलब जैसे आपस में आप लोग दोस्त करते होगे ना, ट्रीटी एक तरीके से कि ये चल ये काम कर देते हैं, ये हम दोनों एक शर्त रखते हैं ना, शर्त, उसी की तरह एक तरीके से ट्रीटी होती है। तो 1960 में एक ट्रीटी हुई थी, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। किसकी? हमारी। क्या हुई थी वो ट्रीटी? कि जो 80% पानी है इंडस का वो कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। और इंडस का सिर्फ 20% कौन यूज़ करेगा? हम, ठीक है। तो ट्रीटी में क्या था, कब हुई थी? 1960 में। ट्रीटी में था क्या कि 80% ऑफ वाटर इज़ यूज्ड बाय पाकिस्तान एंड 20% यूज़ कौन करेगा? इंडिया, ठीक है। यानी कि सोच रहे हो 80% इसको पानी हमें, मतलब हमें देना, हम पानी रोक नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें कि पाकिस्तान का पानी रोक दें, चाह तो खैर सकते ही है ना। सोच रहे हो 80% पानी हमने यहाँ से पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ठीक है। तो ये कुछ ट्रीटी थी, छोटे सा इसका कुछ
मतलब पॉइंट्स थे जो कि याद करने। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अपनी गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। गंगा नदी का नाम तो सभी ने सुना होगा ना, गंगा का। चलो एक बार गंगा मैया की जय बोल देते हैं ना, गंगा मैया की जय। अच्छा जय ही बोलिए, बहुत से तो फील करने लगे होंगे, है ना, डुबकी लगाने लगे होंगे गंगा नदी में। ये अपनी गंगा रिवर, अपनी गंगा माँ, यहाँ से ये मैंने कौन सा पार्ट बनाया मैप का, ये है उत्तराखंड स्टेट, ये है यूपी, ये है बिहार, ये है वेस्ट बंगाल, ये है बांग्लादेश, ठीक है, और ये है मध्य प्रदेश, ये वाला हिस्सा है राजस्थान वाला, ठीक है। मैप की मैंने हमेशा बोला ना, नॉलेज हमेशा हमें अच्छी होनी चाहिए। जिसने नहीं है स्टेट्स और यूटीज याद, वो पहले वाली वीडियोस में जाके देखे और स्टेट्स और यूटीज को याद करे। तो हम अपने कुछ गंगा के बारे में जानते हैं। जो गंगा है वो उत्तराखंड के स्टेट से निकलती है, कहाँ से, उत्तराखंड स्टेट से, और जिस ग्लेशियर से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है उसका, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। रिवर्स तो हमेशा ओरिजिनेट होंगी ग्लेशियर से ही ना, है ना, तो ये नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। फिर गंगा जो रिवर है, ये अलकनंदा और भागीरथी दो और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आके मिलती हैं देवप्रयाग में, एक जगह है देवप्रयाग। अलकनंदा भागीरथी दोनों आके मिल जाती हैं किससे, देवप्रयाग में आके मिल जाती हैं, फिर बन जाती हैं गंगा, फिर उसके आगे क्या बनती हैं गंगा। फिर ये आती हैं ऋषिकेश, ऋषिकेश में, ठीक है, ऋषिकेश तो सभी ने सुना होगा ना, घूमने जाना जो नहीं गया होगा, राफ्टिंग होती है वहाँ पर, काफ़ी प्यारी जगह है। वैसे भी यूट्यूबर मीटअप नहीं रखते हैं जगह जगह, है ना, ऐसी कमेंट करना हम भी ऋषिकेश में मीटअप रखेंगे, है ना। तो ये है ऋषिकेश, फिर उसके जाके ऋषिकेश के बाद गंगा आती है हरिद्वार में। हरिद्वार पहले तो ये पहाड़ों पे चलती है, फिर जब ये हरिद्वार में आके प्लेन्स पे आ जाती है, हरिद्वार पे आके फिर धीरे धीरे गंगा इधर चलती है कानपुर, ठीक है, ये फिर इधर बिहार में चली जाती है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में एक डेल्टा बनाती है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन। क्या है ये, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मैंने बताया था कि जब रिवर्स अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स लेके आती है वो धीरे 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 क्या करती है, जब सी के पास यहाँ इकट्ठा कर देती है, तो उससे क्या हो जाता है, वहाँ बन जाता है डेल्टा, मतलब, ठीक है। तो वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा कौन बनाती है, अपनी गंगा रिवर, कहाँ पे, ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, ठीक है। इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी ट्री है, उसके नाम से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बारे में जानते हैं। जो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना रिवर, कौन सी, यमुना रिवर, ये यहाँ ये निकलती है यहाँ से, ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये होती है यहाँ दिल्ली आती है, ये है दिल्ली, ये अपनी दिल्ली कैपिटल, ये दिल्ली से होती हुई मथुरा आगरा, ठीक है, और जाके मिल जाती है प्रयागराज में, किससे मिल जाती है, प्रयागराज में, कौन किन से, गंगा मैया से, प्रयागराज में, ठीक है, कहाँ मिल जाती है, प्रयागराज में। फिर ये गंगा बन के चली जाती है। इनकी कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये है चंबल रिवर, जो कि यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ये चंबल रिवर, ये एमपी से निकलती है और ये भिंड और ये चंबल वाला एरिया, चंबल तो सबने नाम, पहले चंबल में यहाँ डाकू हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े, तो अभी भी ये एरिया बहुत ही काफ़ी डरावना एरिया है। यूट्यूब पे देखना चंबल के बारे में, काफ़ी हिस्ट्री है उसकी। तो ये है चंबल, ये मिलती है यमुना से, यमुना मिलके जाती है गंगा से प्रयागराज में, फिर ये गंगा मिलती हैं। ये कुछ इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जैसे कि ये एक रिवर है, अब ये रिवर है तो इनका राइट क्या होगा, ये इनका लेफ्ट क्या होगा, ये जो रिवर यहाँ से मिलेगी वो होगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो रिवर इनसे यहाँ से मिलेगी वो होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। तो गंगा की यमुना क्या हुई, गंगा का रूट क्या है, उधर जाने का डायरेक्शन ये है, तो राइट गंगा का ये हुआ, तो यमुना है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ये घाघरा गंडक कोसी, ये क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो हमें गंगा के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है, ठीक है, छोटा सा। बाकी अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में, ठीक है।
अब इसमें हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। ब्रह्मपुत्र पहले हमने पढ़ा, गंगा, अब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो कि तीसरा रिवर सिस्टम है किसका, हिमालयन रिवर्स का। तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है मानसरोवर लेक से। ये तिब्बत वाला पार्ट है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक से, मानस इसे, और यहाँ तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो रिवर, TSO सांगपो, ठीक है, सांगपो रिवर। ये यहाँ से निकल के ये अपने ये वाला कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ एंटर करती है, फिर आसाम, आसाम से होती है बांग्लादेश, और ये इस पॉइंट पे गंगा और ये ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं आपस में इस पॉइंट पे, और इसके बाद ये यहाँ क्या बनाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ओ सॉरी, यहाँ बनाती है सुंदरबन डेल्टा, और इसके बाद इस रिवर को बोलते हैं मेघना रिवर। यहाँ बनाती है सुंदरबन डेल्टा, मैंने उसमें बताया था ना गंगा सिस्टम में। तो और ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, दिहांग, दिबांग, ठीक है, बुक में देखना है ये, ठीक है, अच्छे से पूरा। तो यही है कुछ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या किया, हिमालयन रिवर सिस्टम कवर करी, है ना, उसमें तीनों रिवर्स के बारे में, सिस्टम के बारे में पढ़ा, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जानी, है ना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, ये कुछ जाना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपने पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। तो आशा करता हूँ ये सारा कुछ आप लोगों को समझ आया होगा, है ना, और नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, कुछ क्वेश्चंस हैं उसको क्लियर करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।